जो एक सिस्टम बन गया हमारा, जिसमें ये सोच ही नहीं थी कि एक आम आदमी किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारता है, और उसी में ये हाउसिंग आ गई। हमने अपनी आहिस्ता आहिस्ता लाहौर को देखा कच्ची वादियां बनते हुए। ये लाहौर, इसका पानी आम नलके का पानी, मीठा पानी सब पीते थे। इसमें साफ सिटी ऑफ गार्डन समझा जाता था, पोल्यूशन नहीं होती थी लाहौर में। तो आहिस्ता आहिस्ता लाहौर को हमने देखा फैलता गया, अनप्लान्ड सेटलमेंट, अमीरों के इलाके हो गए, डिफेंस, अच्छी लोकेशंस, बैरिया डिफेंस। किसी ने नहीं सोचा कि आम आदमी जो तनख्वाहदार है, जो ज़मीनों की कीमतें यहाँ पहुँच गई, उसने कैसे घर बनाना था। आज आप ये सोचें कि आधा कराची कच्ची आबादी हैं। कच्ची आबादी का मतलब ना सीवरेज सिस्टम, ना बिजली, ना लीगल कोई कनेक्शंस। वो रिश्वत देते हैं उन लोगों को जो बिजली का महकमा हुआ, गैस का, तब उनको कनेक्शन मिलता है और वो बड़े पैसे देते हैं। कभी किसी ने नहीं सोचा कि ये लोग कैसे रह सकते हैं, इन्होंने भी रोज़ी कमाने के लिए शहरों में आना है। कभी भी वो माशरा तरक्की नहीं कर सकता जो माशरा अपनी आवाम की, आम आदमी, उसको ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करता। कोई दुनिया में माशरा जिसमें एक छोटा सा अमीरों का समुंदर, अमीरों का जजीरा हो और नीचे समुंदर हो गरीबों का, आज तक वो माशरा ऊपर नहीं गया। फेडरल गवर्नमेंट 3% पे कर्जा दे रही है, बाकी जो ऊपर बैंकों को जो कॉस्ट करता है वो गवर्नमेंट खुद उसका बोझ उठा रही है। फिर हर घर के ऊपर 3 लाख रुपया सब्सिडी दे रही है। इसका क्यों ये कर रही है? ताकि जो गरीब आदमी जब एक घर ले तो उसको जितना वो किराया दे रहा है आज, उतना ही किराया वो कर्जों की किस्तों पे चला जाए और अपना घर भी उसके पास आ जाए। और ये है एक इंशाल्लाह शुरुआत एक रेवोल्यूशन की। कच्ची आबादियाँ इंशाल्लाह, उनके लिए हमारा एक और प्लान बना हुआ है। हमने जो मॉडल जो तुर्की में इस्तेमाल किया गया, मलेशिया में, इंशाल्लाह उस मॉडल के ज़रिए हम सारा रिन्यू करेंगे, कच्ची आबादियों को चेंज करेंगे, क्योंकि वो सारे इलाकों के अंदर, जिस तरह कराची, आधा कराची कच्ची आबादियाँ, तो इसके लिए पूरा प्लान बना रहे हैं कि कच्ची आबादियों को कन्वर्ट करें, उन्हीं लोगों को मालिकाना हकूक दें, उन्हीं लोगों को जिस तरह ये घर दे रहे हैं, सूरज, पानी, बिजली सब कुछ दें, उनके अपने उनके पास मालिकाना हकूक आएँ। जब हाउसिंग शुरू होती है तो हाउसिंग से 30 इंडस्ट्रीज कनेक्टेड है, तो जैसे ही हाउसिंग आप घर बनाने शुरू करते हैं तो 30 और इंडस्ट्री चलनी शुरू हो जाती है, सारी मुल्क की इकॉनमी उठ जाती है। एक तरीका मुल्क की इकॉनमी को उठाने का है कि मुल्क में हाउसिंग शुरू कर दें। और इंशाल्लाह हमारी यही सोच है कि हम जब आप अपना रोज़गार हमने लोगों के लिए दे रहे हैं, हमने अपनी ग्रोथ रेट बढ़ानी है, तो सबसे ज़्यादा हमारा एम्फेसिस अब ये हाउसिंग के ऊपर है।